हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से जो आपका एप्स लॉक है गाइस, आप वो सेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, आपका एप्स लॉक इनेबल करने के लिए आपको सिंपल सिंपल से स्टेप्स जो कि फॉलो करने हैं। सबसे पहले गाइस, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका, जो कि यहाँ पे है गाइस ऐप्स का। तो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक का, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको टर्न ऑन का ऑप्शन मिलेगा, इसको टर्न ऑन करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। इसको पासवर्ड को डाल के कन्फर्म कर लेना है। जैसे ही आप कन्फर्म करते हैं, बोलते हैं आपको मी अकाउंट लॉगिन करने के लिए, तो हमारे पास नहीं है तो इसको हम डोंट लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल तरीके से इसको स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाइस हम इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते अपना मी अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ पासवर्ड, कुछ जो ऐप्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आते हैं लॉक होने के लिए। आप चाहें तो इसको यूज़ ऐप लॉक नाउ कर दें, या फिर इनमें से कुछ अनटिक भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम कुछ अनटिक कर देते हैं, तीन रहने देते हैं। यूज़ ऐप लॉक पर क्लिक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट आपको लगाना है तो वेरिफिकेशन करा दें फिंगरप्रिंट का। तो फिलहाल गैलरी, अमेजोन, फेसबुक, फेसबुक डोल वाला एप्लीकेशन जो हमने लॉक करके रखा है, चलिए यूट्यूब को भी हम लॉक कर देते हैं। तो इस टाइप से गाइज आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। यूज़ फेस डाटा, आप चाहें तो अपना फेस को भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम सिंपल तरीके से एक बार चेक कर लेते हैं। फेसबुक पे हमारा लॉक लगा हुआ है, हम फिंगर देंगे, ओपन हो जाएगा फिंगर के साथ, ठीक है। तो इस टाइप से गाइज आप अपने फ़ोन के अंदर ऐप्स लॉक लगा सकते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।